नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। सारंगपुर, गुरुवार को युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव शर्मा के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन प्रभारी तहसीलदार भूपेंद्र कैलासिया को सौंपा एवं बिजली कार्यालय पहुंचकर जेई को भी ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि सारंगपुर विद्युत मंडल की मनमानी का खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ रहा है। बिजली विभाग द्वारा अधिक राशि के बिल आम जनता को भेजे जा रहे हैं, जो कि अनैतिक एवं अवैधानिक है। मीटर रीडर द्वारा अपनी मर्जी से मनमानी रीडिंग कर दर्ज कर ली जाती है। घंटों बिना सूचना के अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। वर्तमान में भीषण गर्मी पड़ रही है। वहीं दूसरी ओर शासन के द्वारा लोगों से घरों में रहने की अपील भी की जा रही है। ऐसी गर्मी में बिजली कटौती के कारण लोगों का घरों में रहना दुश्वार हो गया है। बिजली कटौती के चलते शासन के निर्देश अनुसार घर पर रहकर छात्रों को ऑनलाइन अध्ययन नहीं हो पा रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रदीप सदानी ने आरोप लगाते हुए कहा कि लॉकडाउन के चलते आम जनता रोजगारी एवं आर्थिक समस्या से जूझ रही है। वहीं दूसरी ओर बिजली विभाग द्वारा मोटी राशि के बिल उपभोक्ताओं को थमाए जा रहे हैं। इसके चलते गरीब लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में 5 गुना अधिक के बिजली के बिल आ रहे हैं। पहले जहां 300 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के बिल आते थे, वहीं आज 4000 से लेकर 5000 रुपए तक के बिल थमाए जा रहे हैं। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद अली, शहर कांग्रेस अध्यक्ष समीर में, पूर्व विधायक कृष्ण मोहन मालवीय, पूर्व जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि घनश्याम पाटीदार, युवा कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष गब्दू पठान, अखिलेश राठी सहित कांग्रेस जन मौजूद थे। हमने पिछले 3 माह 4 माह से सब परेशान आम आदमी के जो बिल ज़्यादा आ रहे हैं उसके विरोध में ज्ञापन दिया है और महामहिम राज्यपाल जी से मांग की है कि इन बिलों को दुरुस्त किया जाए। इसमें सबसे कमज़ोर वर्ग को, इधर तो लॉकडाउन की का मार, कोरोना की मार और साथ में बिलों की मार पड़ रही है, इसको तुरंत दुरुस्त किया जाए और सबके बिल माफ़ किए जाएँ। खबर समय जगत के लिए सारंगपुर से कैमरामैन सुभाष सोनी के साथ राजेश बंसल की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।